शुभ संध्या मित्रों, लिबरस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आफ्ताब अहमद आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं। आज मैं समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जो कि हर परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वह टेट हो, पीआरटी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, चाहे UP SSC की कोई भी परीक्षा हो जिसमें समाज टॉपिक है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, 40 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, लेखपाल की परीक्षा यूपी में होने वाली है, आने वाली है वैकेंसी, और लेखपाल में समाज टॉपिक दिया गया है, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो आइए सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन का आनंद लीजिए। देखते हैं, पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा होगा, गृहकट का समास विग्रह बताइए। गृहकट, गृहकट ग्रह को पछाड़ने वाला, गृह को तोड़ने वाला, गिरह को काटने वाला। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करिए और अपना भी आकलन मूल्यांकन आप लोग करते रहिए कि किस स्तर तक हम लोग पढ़े हैं। दिया है गिरह कट, तो गिरह का मतलब क्या होता है? गांठ, और कट मतलब काटने वाला, यानी गांठ को काटने वाला, अर्थात इसका सही विग्रह होगा गिरह को काटने वाला। डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है दूसरा, पाप मुक्त में समास है, जल्दी से आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। पाप मुक्त में कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? करण तत्पुरुष कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। कारक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी 6 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, जिसमें 4 दिया गया है, करण है, संप्रदान है, अपादान है या संबंध है। तो इसका विग्रह जब करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? पाप से मुक्त। क्या निकल कर आएगा? पाप से मुक्त। अब बताना है, देखिए, करण में भी से का प्रयोग होता है, अपादान में भी से का प्रयोग होता है, विग्रह तो आ गया पाप से मुक्त। जुड़ाव हो रहा है या अलगाव हो रहा है? देखिए, पाप से मुक्त, मुक्ति मतलब अलगाव, यानी कि पाप से मुक्त, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष, सॉरी तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है, लेन देन में कौन सा समास है? लेन देन में समास बताना है, कौन सा समास है? लेन देन, अव्ययी भाव है, दिगु है, कर्मधारय है या द्वंद्व समास है? लेन देन, आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास करिए। लेन देन अव्ययी भाव समास नहीं है, दिगु समास भी नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है, इसका सही उत्तर क्या है? द्वंद्व समास है, इसका विग्रह होगा लेन और देन, लेन और देन, लेन और देन। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जब शब्द युग्म में हो या जोड़े में हो, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के विलोम हो, विपरीत हो, या फिर एक दूसरे के पूरक हो, एक साथ कहे जाते हो, ऐसे समास द्वंद्व समास कहलाता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, यहाँ लेन और देन दोनों प्रधान है, ये समास आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, प्रेमोपासक शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा शब्द है, प्रेमोपासक शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, बहुव्रीही है या अव्ययी भाव है? प्रेमोपासक, तो प्रेमोपासक का विग्रह क्या होता है? प्रेम का उपासक, प्रेम का उपासक। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह आते हैं और इनका लोप हो जाता है, संक्षिप्त में बन जाता है तत्पुरुष समास, इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अगर प्रकार की बात करें, कौन सा प्रकार है, तो का के की किस समास में आते हैं? संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष, प्रेम का उपासक, इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। अगला है, देखिए, दिया है मृदुवाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय है
या द्वंद्व समास है? जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करिए। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय या द्वंद्व समास है? क्या शब्द दिया है? मृदु वाणी। देखिए मृदु वाणी, मृदु का अर्थ क्या होता है? कोमल, मधुर, और वाणी यानी कि अभिव्यक्ति। ठीक है, तो देखिए कह रहा है मृदु है जो वाणी, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? मृदु है जो वाणी, मृदु है जो वाणी, वाणी की विशेषता बता रहा है, वाणी कैसा है? वाणी मृदु है यानी कि मधुर है, कोमल है। मृदु विशेषण शब्द है, कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है, और वाणी संज्ञा पद है अर्थात विशेष्य है। और अभी आपको क्लियर हो गया होगा जिस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध ज्ञात होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, अर्थात इसका सी उत्तर सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, यहीं से क्लियर कर लीजिए, कमल संज्ञा है और कमल कैसा है? नीला है। कोई भी रंग विशेषण को बताता है, कोई भी रंग विशेषण को दर्शाता है, तो यहाँ कमल कैसा है? नीला है, अर्थात ये विशेषण है और ये विशेष्य है। कौन सा? अच्छा क्या पूछा है? मैं उत्तर पद कौन सा, उत्तर पद कमल, कमल के बारे में पूछा गया ना, कमल है, कमल क्या है? इसको मैं मिटा देता हूं पहले। चलिए कह रहा है नील कमल में उत्तर पद कमल है, विशेष्य है, विशेषण है, विशेष्य विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं है? तो मैं बता चुका हूं नीला शब्द विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है, यानी कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, विशेष्य। ठीक है, देखिए प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द में समास पहचानिए। बुद्धिहीन तत्पुरुष समास का प्रकार है ये, जल्दी से आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए इसका। तत्पुरुष समास का उदाहरण है बुद्धिहीन शब्द में समास पहचानिए, कर्म तत्पुरुष है, संबंध है, अधिकरण तत्पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है? इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? बुद्धि से हीन। क्या होगा इसका विग्रह? बुद्धि से हीन, बुद्धि से हीन। तो यहां देखिए प्रश्न में दिया है करण अधिकरण, कहीं भी करण तत्पुरुष नहीं दिया है, ना ही अपादान दिया है, और हीन भावना यानी बुद्धि से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो यहां समास होगा तत्पुरुष का अपादान तत्पुरुष होगा जो कि विकल्प में नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न है अगला, देह लता में समास है, देहलता में समास बताना है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीही है, या द्वंद्व समास है? देहलता, देहलता का विग्रह क्या होता है? देहलूपी रता, नहीं लता रूपी, सॉरी लता रूपी देह, यानी कि लता के समान देह, और जिसमें उपमान और उपमेय का संबंध ज्ञात होता है वह समास होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में और किस चीज का ज्ञान होता है? विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध ज्ञात होता है, तो इस समास को कहा जाता है कर्मधारय समास, इसका सही उत्तर हो जाएगा भी कर्मधारय। बहुत ही आसान प्रश्न, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? दो तीन बार मैं बता चुका हूं कर्मधारय समास बनता है, विशेषण विशेष्य के योग से समास कौन सा बनता है? कर्मधारय समास बनता है, या फिर विशेषण विशेष्य कहिए या उपमान उपमेय कहिए, समास कौन सा बनेगा? कर्मधारय समास बनेगा, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा कर्मधारय। ये अच्छा प्रश्न आ गया, देशार्पण में समास है, तो यहां सब तत्पुरुष समास का उदाहरण दिया गया, विकल्प दिया गया है, तो सारा जो है तत्पुरुष समास है, सब तत्पुरुष है, तत्पुरुष है, तत्पुरुष है, यानी कि इसका शुद्ध विग्रह बताना है, देशार्पण का शुद्ध विग्रह क्या होगा? तो इसका शुद्ध विग्रह क्या होता है? देश के लिए अर्पण, देश के लिए अर्पण। अब आप खुद देख लीजिए के लिए किस विभक्ति में आता है, के लिए
के लिए संप्रदान में आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, प्रश्न अगला है, हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीही, बहुव्रीही, अव्ययी भाव समास। हस्तलिखित, हस्तलिखित का विग्रह क्या हो गया? हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, या हाथ के द्वारा लिखा गया हस्तलिखित। यहां देखिए से विभक्ति आई है, और से विभक्ति किस समास में आता है? तत्पुरुष समास में आता है, यानी कि इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। और अगर बात करें तत्पुरुष समास में दो बार से विभक्ति आती है, एक बार करण में और एक बार अपादान में। तो यहां बताइए आप, जुड़ाव हो रहा है कि अलगाव हो रहा है? हाथ से लिखा हुआ लिख रहे हैं, लिखने का साधन क्या है? हाथ है, जुड़ाव हो रहा है, तत्पुरुष समास का ये करण तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चार दिशाओं का समाहार का सामासिक शब्द होगा चतुर्युग, चतुर्दिक, चतुष्कोण, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका क्या होगा, चार दिशाओं का समाहार। यहां देखिए दिक, दिक का अर्थ होता है दिशा, दिक का अर्थ क्या होता है? दिशा। और चतुर मतलब चार, अर्थात चार दिशाओं का समाहार। सही उत्तर हो जाएगा बी, चतुर्दिक। चार दिशाओं के समाहार को कहा जाता है चतुर्दिक। ठीक है, चलिए प्रश्न है, कर्तव्य प्रायणता शब्द में समास पहचानना है। कर्तव्य प्रायणता में समास पहचानना है, कौन सा समास है? सारा विकल्प दिया है तत्पुरुष समास का, कर्म तत्पुरुष है, संबंध है, करण है, या अधिकरण है। विग्रह, शुद्ध विग्रह करिए। कर्तव्य प्रायणता, कर्तव्य में प्रायण, प्रायण मतलब निपुण, कर्तव्य में निपुण, में विभक्ति आ रही है, में विभक्ति आ रही है, कर्तव्य में प्रायण, कर्तव्य में प्रायण। और में विभक्ति किस कारक में आता है? अधिकरण कारक में आता है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, चलिए आगे, यह देखिए बहुत ही जानलेवा शब्द आ गया, कतर व्योंत में कौन सा समास है? कतर व्योंत में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है? तो इसका विग्रह होता है कतर व्योंत, कतर व्योंत, कतर और व्योंत, अर्थात काटना और छाटना, काटना और छाटना। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, प्रश्न दिया है, निर्विवाद में, निर्विवाद में समास है तत्पुरुष है, बहुव्रीही है, कर्मधारय है, या अव्ययी भाव समास है? निर्विवाद, निर्विवाद का विग्रह क्या होता है? निर्विवाद का विग्रह क्या होता है? बिना विवाद के, बिना विवाद के। जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो, अव्यय हो, और पहला पद ही प्रधान हो, वहां समास होता है अव्ययी भाव समास, और निर्विवाद में निरुपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अव्ययी भाव समास, निर्विवाद, बिना विवाद के। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं सारे। दिया है पतझड़ में समास है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, पतझड़ में कौन सा समास है? बहुव्रीही है, द्वंद्व है, कर्म तत्पुरुष है, या करण तत्पुरुष है? तो देखिए पतझड़, अब यहां ये आप लगाएंगे पत्तों का झड़ना का, जो का विभक्ति आ रही है, तत्पुरुष समास का अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कहीं विकल्प में नहीं दिया है। पत्ते झड़ते हैं, पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में, अर्थात एक विशेष प्रकार का मौसम होता है पतझड़, ये रूढ़ शब्द में आ जाएगा, अर्थात ये तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है, और जब तीसरा अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वह समास कहलाता है बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास में क्या होता है? बहुव्रीही समास में ना तो पहला पद प्रधान, ना ही दूसरा पद प्रधान, बल्कि दोनों मिलकर के किसी तीसरे पद को, किसी अन्य पद को प्रधान बनाते हैं,
तो वह समास कहलाता है बहुव्रीही। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, बहुव्रीही समास। ध्यान रखिएगा, इसको छाप लीजिए, पतझड़ शब्द कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए प्रश्न है अगला, प्रश्न है अगला। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है। सबसे पहले तो ये जानिए द्विगु समास होता क्या है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और पूरा पद समूह का बोध कराता है, या कह सकते हैं कि पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होता है, तो वहां द्विगु समास होता है। अब यहां देखते हैं संख्यावाची, त्रिभुवन पहला पद संख्यावाची है, त्रिनेत्र पहला पद संख्यावाची है, एकदंत पहला पद संख्यावाची है, दशानंद पहला पद संख्यावाची है। अब तो बड़ी समस्या आ गई, सारे पद इसमें संख्यावाची हैं, क्या लगाया जाए। तो देखिए त्रिनेत्र, तीन नेत्र हो जिसके, अर्थात भगवान शिव, यानी कि यह तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जा रहा है, तो यह बहुव्रीही समास होगा। एकदंत, एकदंत कहा जाता है गणेश जी को, एकदंत गणेश जी को। दशानन यहां कहा जाता है इसे रावण को। तो इन तीनों में बहुव्रीही समास है, एकदंत त्रिनेत्र और दशानन, इन तीनों समास में बहुव्रीही समास है। अगर अगर बहुव्रीही विकल्प में ना रहे तो निसंदेह आप द्विगु समास लगा सकते हैं, लेकिन अगर बहुव्रीही है तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी और यह बहुव्रीही समास के अंतर्गत आएंगे। त्रिभुवन किसी को नहीं कहा जाता है, तीन भवन तीन भुवन, अर्थात इसका सही उत्तर यह होगा त्रिभुवन। ठीक है, देखिए प्रश्न है, धनुर्बाण में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है। धनुर्बाण, तो धनुर्बाण का विग्रह क्या होता है, धनुष और बाण, धनुष और बाण। यहां देखिए दोनों पद प्रधान है, धनुष और बाण दोनों पद प्रधान हैं, और आपको पता है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा, सही उत्तर ए है। ठीक है, ये देखिए मिलान करने वाला आ गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, नीलोत्पल कर्मधारय समास, दशानन बहुव्रीही समास, राम लक्ष्मण अव्ययी भाव समास, दिवारात्रि द्वंद्व समास, कौन सा उत्तर सही नहीं है। ये प्रश्न जब ऐसे पूछता है सही नहीं है बताना है, पहला उत्तर देखते ही नहीं लगाना है कि ये सही है। देखिए दिया है नीलोत्पल, उत्पल मतलब कमल और नीला, नीला विशेषण है और उत्पल संज्ञा शब्द है यानी कि विशेष्य है, नीला कमल, तो यहां कर्मधारय समास होता है, सही है। दशानन अभी मैं बताया हूं, दशानन दस मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जा रहा है, बहुव्रीही समास है, सही है। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण जब दो नाम दे दिया जाए, राम और लक्ष्मण, जब कोई भी दो नाम एक साथ आ जाए तो यहां राम शब्द भी प्रधान है, लक्ष्मण शब्द भी प्रधान है, और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे अव्ययी भाव समास नहीं कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। उसे कौन सा समास कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है, यानी कि ये सही नहीं है। बाकी देखिए दिवारात्रि, दिवस और रात्रि द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है, दिन और रात, तो ये भी आपका सही है, यानी कि इसका सही उत्तर सी है, राम और लक्ष्मण, जो कि यहां दिया था अव्ययी भाव समास, जो कि गलत है क्योंकि द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न आए, कह रहा है कठपुतली में कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। कठपुतली, कठपुतली इसका विग्रह क्या हो गया, तत्पुरुष समास है, ये तो कन्फर्म है, निश्चित है, या कि तत्पुरुष समास है। त
तत्पुरुष में कौन सा समास है? तो शुद्ध विग्रह करके देखना है, कठपुतली का विग्रह होगा काठ की पुतली, काठ की पुतली, काठ की पुतली। यहां देखिए की शब्द आ रहा है, कौन सी विभक्ति आ रही है? की। और की विभक्ति आती है किसमें? संप्रदान में नहीं आता है, संबंध में आता है, संबंध का के की रारे री नाने नी। सही उत्तर हो जाएगा सी बी संबंध तत्पुरुष। आगे देखिए समास है, पर्णकुटी शब्द का समास बताइए। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारा है, बहुव्रीही है। पर्णकुटी, पर्णकुटी का विग्रह क्या होता है? पर्ण की कुटी, पर्ण की पढ़ की कुटी, काके की संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष नहीं दिया है, पढ़ कुटी यानी कि पत्ते का घर, कुटिया। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? गृह प्रवेश, सुख दुख, अंधको, तिरंगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, नहीं कर्मधारय समास का उदाहरण है, सॉरी है, उदाहरण है, बताना है। गृह प्रवेश दिया है शब्द, तो इसका विग्रह होता है गृह में प्रवेश, इसका विग्रह क्या होता है? गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो यहां देखिए में विभक्ति आ गई है, तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, यानी कि ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है, गृह में प्रवेश। सुख दुख, सुख और दुख जब एक दूसरे के विपरीत हो यानी कि विलोम हो तो वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास, यानी कि यह भी उत्तर नहीं है। आगे देखिए तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों का समाहार, यानी कि यह समास हो जाएगा कौन सा? द्विगु समास, द्विगु समास। कभी कभी क्या होता है, द्विगु ना देख करके यह बहुव्रीही समास में ले लिया जाता है, क्योंकि तीन रंगों का समाहार, यह भारत में तिरंगे को कहा जाता है, तो इसे रूढ़ माना जाता है बहुव्रीही समास में। अगर बहुव्रीही विकल्प में नहीं है तो द्विगु समास होगा। ठीक है, यहां देखिए अंधको, कैसा कुआं? अंधा कुआं। और अंधा शब्द विशेषण होता है, अंधा शब्द विशेषण होता है, विशेषण होता है, और कूप संज्ञा शब्द है, यानी कि विशेष्य हो गया, और जिस समास में विशेष्य विशेषण का संबंध ज्ञात हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा, अंधकूप। चलिए नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव, देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पहले पहले पद की प्रधानता होती है, और इसमें पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। ठीक है, अव्यय या उपसर्ग होता है। चलिए देखते हैं, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसका विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार, ये समास हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, घोड़े पर सवार। पाप पुण्य, पाप पुण्य एक दूसरे के विपरीत है, विलोम है, कौन सा समास? द्वंद्व समास। बहुत खूब, द्वंद्व समास। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी को कहा जाता है, यानी कि ना तो इसका पहला पद ना ही दूसरा पद, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधान बना रहे हैं, तो यहां बहुव्रीही समास होगा, बहुव्रीही, बहुव्रीही समास है। ठीक है, यहां देखिए आजीवन, जीवन संज्ञा शब्द है, आ उपसर्ग के रूप में जुड़ा है, यानी कि जब तक जीवन है उसे आजीवन कहेंगे, और यही उत्तर सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास आजीवन में है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? और यह प्रश्न टीएटी परीक्षा में पूछा गया है, गौशाला, गौशाला का विग्रह होता है गो के लिए, साला, गो के लिए
शाला। यहां देखिए के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तत्पुरुष समास है। गाय के लिए साला, ठीक है। चलिए प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास ज्यादा पूछ रहा है। शीतोष्ण, अष्टाध्यायी, आजन्म, आशा, तीत। जल्दी से बताइए आप लोग इसमें से कौन सा। और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न शब्द जो है बहुत अच्छे, विकल्प बहुत अच्छे हैं इसमें। शीतोष्ण, आशातीत, अष्टाध्यायी और आजन। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। शीतोष्ण, इसका विग्रह होता है शीत और उष्ण, शीत और उष्ण। तो दो मौसम है यहाँ पर, शीत और उष्ण, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि ये तत्पुरुष नहीं है। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह, पहला पद संख्यावाची, द्विगु समास है। यहां मैं लिख देता हूं, ये आपका द्वंद्व अष्टाध्यायी द्विगु। आजन्म, यानी कि जन्म शब्द है, उपसर्ग के रूप में आया हुआ है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। यानी कि आशातीत, इसका विग्रह होता है आशा से अतीत, आशा से अतीत, आशा से अतीत, आशा से अतीत, अतीत है अतीत, आशा से अतीत से विभक्ति आई है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, आशा से अतीत। चलिए प्रश्न है, देखिए कौन सा शब्द बहुव्रीही समास, कौन सा शब्द बहुव्रीही समास के अंतर्गत आता है। बहुव्रीही समास का परिभाषा का जिक्र मैं कर चुका हूं, जिस समास में न तो पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि दोनों मिलकर के किसी तीसरे पद के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, किसी तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं, तो ऐसा समास बहुव्रीही समास होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। लाल पीला, क्या देखिए, लाल एक अलग रंग है, पीला एक अलग रंग है, तो यहां समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, तो यहां तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। दो माता है ना, दो माता नहीं, बुरी माता, दो मतलब बुरी माता, तो ये समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। कौन सी माता है, दो माता, बुरी माता है, तो ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। वीड़ा पाड़ी, वीड़ा है पाड़ी में जिसके, अर्थात सरस्वती जी, यानी कि ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, और यही क्या होता है, बहुव्रीही समास होता है, ठीक है। राइट आंसर डी। चलिए ये देखिए कितना बड़ा प्रश्न आ गया भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। और समास क्या पूछा है, देशभक्ति, देशभक्ति का समास विग्रह और समास विग्रह का भेद है, कौन सा समास है और कौन इसका विग्रह क्या होगा। पहला विकल्प दिया है देश की भक्ति, संबंध तत्पुरुष है, नहीं देश की भक्ति नहीं होता है, यह गलत उत्तर है। देश पर भक्ति, अधिकरण तत्पुरुष है, नहीं देश पर भक्ति नहीं होता है। देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। किसके लिए, देश के लिए, अर्थात देश के लिए कोई भक्ति कर रहा है और यह संप्रदान तत्पुरुष भी है, सही है। देश से भक्ति, संबंध तत्पुरुष, नहीं सी उत्तर सही है, देश के लिए भक्ति अर्थात संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है जिस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, जल्दी से आप लोग उत्तर देकर बताइए, कौन से समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे समाज कौन सा कहते हैं, बहुव्रीही समाज कहते हैं, यानी कि इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या दिया है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में
कौन सा शमास है? रेखांकित किया गया है गंगा तट को और पूछा गया है गंगा तट में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। देखिए कह रहा है गंगा तट, कर्मधारय समास, तत्पुरुष, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? गंगा का, गंगा का तट, गंगा का तट, का विभक्ति चिन्ह आ गया और विभक्ति चिन्ह किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए आइए, कह रहे हैं प्रश्न में, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूं। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? रेखांकित किया गया है चरण कमल को और पूछा गया है द्विगु है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? यानी कि दो पद दिए हैं चरण कमल, तो कमल संज्ञा पद है। कैसा पद है? संज्ञा पद है, यानी कि ये कैसा पद है? विशेष्य है, विशेष्य है। और चरण, चरण भी संज्ञा पद है। तो यहां हरि के चरणों को कहा गया है कि हरि का चरण कमल के समान है, कमल के समान है। हरि का चरण किसके समान है? कमल के समान है, कमल के समान है। हरि का चरण कमल के समान है, तो यहां तुलना किया गया है, समानता बताया गया है किसका? हरि के चरणों की तुलना कमल से हुई है, जिसकी तुलना करते हैं उसे उपमेय कहा जाता है और जिससे किया जाता है उसे उपमान कहा जाता है। और जिस समास में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध ज्ञात हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए प्रश्न है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? अमृत जैसी वाणी, अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन रूपी अमृत, वचन और अमृत। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए, क्या होगा? वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, शुद्ध विग्रह बताना है। वचनामृत वचन रूपी अमृत, इसका शुद्ध विग्रह क्या होगा? वचन रूपी अमृत। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा समास है इसमें, वचनामृत में कौन सा समास है? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दें, वचनारूपी अमृत में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद है, बहुव्रीहि है, बताइए जल्दी से क्या होगा? बहुत खूब, सब क्या होगा इसका सही उत्तर? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि यहां पर उपमान और उपमेय का संबंध ज्ञात हो रहा है कि अमृत वचन कैसा है, अमृत रूपी है ना, तो यहाँ कर्मधारय समास का संबंध हो रहा है, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास। यहां देखिए दिया है अन्य जन, अंत अनंत, धर्माधर्म या पल पल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम जानलेवा प्रश्न है। अन्य जन, अंत अनंत, धर्माधर्म और पल पल। देखिए यहां जो है सभी सभी विकल्पों पर हम लोग चर्चा करेंगे और सभी विकल्पों पर देखेंगे कौन कौन से समास आ रहे हैं। देखिए अन्न जल दिया है, एक साथ कहे जाते हैं, दोनों पद प्रधान है और जिस पद में दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अंत अनंत एक दूसरे के विपरीत है, यहां भी समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। धर्माधर्म, धर्माधर्म यहां देखिए विग्रह क्या हो जाएगा? धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और यहां देखिए पल पल, जब एक ही संज्ञा पद या अव्यय पद का दोहरान होता है तो वहां समास होता है अव्ययी भाव, पल पल में अव्ययी भाव समास है। चलिए देखिए प्रश्न है अगला, मिलान करने वाला आ गया है, मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए मिलान करने के लिए आया हुआ है, चार विकल्प दिए हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए विदेश गमन,
गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र। इसमें आपको बताना है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। विदेश गमन क्या होगा? विदेश गमन, विदेश में गमन, तत्पुरुष समास। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात बहुव्रीही समास। देश और विदेश, देश विदेश, देश विदेश दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। यथाशीघ्र, यथा उपसर्ग के रूप में है और ये समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है। आप लोग उत्तर दे रहे होंगे, फटाफट उत्तर दीजिए। देखते हैं कौन सा उत्तर सही हो रहा है। पहला ए का दो, बी बी का वन, ठीक है, देश विदेश, देश विदेश, सी का फोर, यथाशीघ्र, डी का थ्री। यानी कि राइट उत्तर आ रहा है बी, बी उत्तर इसका सही है। चलिए प्रश्न है अगला। बहुव्रीही समास का उदाहरण कौन सा है? चतुर्भुज, चरण कमल, पंचवटी, करोड़पति। बहुव्रीही समास बताना है। क्या देखिए, पंचवटी पहला पद संख्यावाची है, द्विगु समास है, द्विगु समास है। चरण कमल, कमल अभी हम लोग पढ़े हैं कि हरि, हरि का चरण किसके समान है? कमल के समान है। यानी कि उपमेय, उपमेय उपमान का संबंध ज्ञात हो रहा है और यह समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय, कर्मधारय। करोड़ों का पति, करोड़ों का पति, लाखों का पति, करोड़ों का पति, काके की द्वारा संबंध ज्ञात हो रहा है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब यहां देखिए, चतुर्भुज, चार भुजाएं हो जिसकी, अर्थात विष्णु जी, विष्णु जी को कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो गया है, तो ये बहुव्रीही समास का उदाहरण है। ठीक है, आइए प्रश्न दिया है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह है कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व समास है, कुछ सोचना ही नहीं है। पहला पद संख्यावाची है, अंतिम पद संज्ञा, संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है? बहुत ही जबरदस्त है प्रश्न। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास को पहचानना है, लेन देन, सज्जन, चिड़ीमार या परोक्ष। तो यहां देखिए, लेन देन, लेन और देन, ये समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। सज्जन, सच्चा जन, जन कैसा है? सच्चा है। विशेषण विशेष का संबंध ज्ञात हो रहा है, समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय, कर्मधारय समास। यहां देखिए, चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, को आ रहा है विभक्ति, तत्पुरुष समास, बचा क्या? परोक्ष, परोक्ष, ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, दी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। देखिए, हर समास का परिभाषा निश्चित रूप से याद होना चाहिए, परिभाषा याद रहेगा और उसमें कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद नहीं प्रधान है, इस बात की जानकारी रहेगी, तो इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। दिया है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, नहीं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, गलत। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची द्विगु समास में होता है, तत्पुरुष में नहीं होता है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, यानी कि अव्यय भी नहीं होता है, सी उत्तर राइट हो जाएगा। इसमें प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, सही उत्तर सी है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा है, ये ड़ा नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण दिया है, आजन्म, सपरिवार, कामचोर या प्रिय सखा। देखिए, हर विकल्प को अच्छे से जानिए कि हर विकल्प में कौन सा समास है। जैसे आजन्म, जन्म, आ उपसर्ग लगा है और हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, समास कौन सा है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है। सपरिवार, परिवार के साथ, परिवार के साथ, यह भी समास क्या होगा? अव्ययी भाव समास है, परिवार के साथ। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराना या काम से जी चुराने वाला, यहां पर तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। और
प्रिय सखा, यहाँ देखिए सखा संज्ञा पद है और सखा कैसा है, प्रिय है, यानी कि प्रिय यहाँ विशेषण शब्द है, प्रिय विशेषण है और ये विशेष्य है, विशेषण विशेष्य का संबंध बन रहा है, समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, सही उत्तर डी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उपयुक्त समास समास चिन्हित कीजिए, कौन सा समास पूछा है, पथ भ्रष्ट पूछा गया है, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। आप लोग जो है सेशन को अच्छे से देखिए, 40 प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है समास से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पथ भ्रष्ट में द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है और तत्पुरुष है, कौन सा समास है, जल्दी से इसका आप विग्रह बताइए, विग्रह नहीं समास पूछा है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है, तो इसका विग्रह होता है क्या, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, कौन सा समास है, दिख गया होगा से विभक्ति आई है, तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष है, तो अपादान तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न आने वाला है, आज का आखिरी प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, आप लोग सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जिन लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। चलिए प्रश्न, प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अंतिम प्रश्न है, सब लोग सारे लोग उत्तर दें इसका, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, अधिकरण पूछा है नहीं है, अधिकरण में कौन सी विभक्ति आती है, में और पर, लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर सभी लोग दें और सभी लोग लाइक बटन को प्रेस कर दें एक बार जाते जाते। धर्म भ्रष्ट पुरुषोत्तम देशाटन कुलश्रेष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष नहीं है, तो यहां देखिए दिया है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इसका विग्रह क्या होता है, पुरुषों में उत्तम, यानी कि में विभक्ति आ रही है, कुल श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, कुल मतलब परिवार में श्रेष्ठ, ठीक है। यहां देखिए देशाटन, इसका विग्रह होता है देश में अटन, देश में अटन, तो यहां भी में, यहां भी में, यहां भी में, धर्म भ्रष्ट का विग्रह होता है धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, और ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है, यानी कि ये तत्पुरुष समास है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए धर्म भ्रष्ट। आज की ये 40 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई, कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जिन प्रश्नों में आप लोग को समस्या है, दुविधा है, नहीं समझ में आए हैं तो आप ऑफलाइन कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उसका सही उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और फिर से अगर आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो अगली क्लास में उसको फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए धन्यवाद, आप लोग अंत तक देखे, शुभ रात्रि।